अब हम आए हैं हनुमान जी के उस मंदिर में जहाँ राम सेतु वाले पत्थर को रखा गया है। और ये जो मंदिर है बिल्कुल वाल्मीकि जी के मंदिर के बिल्कुल साथ में है। और यहाँ पे उस पत्थर को पानी में रखा गया है जो डूबते नहीं थे, नल नील के हाथों से जो पानी में तैराए गए थे। कहाँ है वो पत्थर? मैं आप लोगों को वो पत्थर भी दिखाऊंगी, देख सकते हैं आप लोग। जय श्री राम, ये आप देख सकते हैं। और लोग दबा के अंदर पानी में डिप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पत्थर नीचे नहीं बैठ रहा। हजारों सालों से ये मुकेश जी का हाथ है, हजारों सालों से पत्थर पानी में ही तैर रहे हैं। राम सेतु का वो पत्थर है जिनके नल नील के हाथ लगे हुए हैं, क्योंकि नल नील को एक वरदान था कि वो किसी भी चीज़ को पानी में फेंकेंगे तो वो कभी भी डूबेगा नहीं। तो इन पत्थरों पे नल नील के हाथ लगे हुए हैं। सभी लोगों ने पत्थर के अंदर कॉइन डाला हुआ है, मैं भी डाल रही हूँ। और बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कैसे पत्थर पानी में तैर सकता है, लेकिन साक्षात देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। पानी में रहने से पत्थर खुरा खुरा सा लग रहा है, देख सकते हैं। बिल्कुल मैं नजदीक से दिखा देती हूँ एक बार फिर। और यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है और ये हमारे पुजारी जी हैं, चरणामृत दे रहे हैं। जो अभी जो मैं आपको ये मूर्ति दिखा रही थी, मेरी उत्सुकता थी, ये मूर्ति काफी साइज में बहुत बड़ी है। कितने फिट की है ये मूर्ति पंडित जी? कितने फुट है ये? 17 फिट के हैं। और इनका वजन बता रहे थे आप अभी, कितना वजन है? वजन है 9 टन। 9 टन, 90 क्विंटल। 90 क्विंटल। हनुमान जी बता रहे हैं कि जब ये मूर्ति यहाँ लगाई गई थी तो ट्रक में लाया गया था और क्रेन से इनको यहाँ पर विराजमान किया गया था, क्योंकि 90 क्विंटल वजन उठाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। और फिर इनको यहाँ विराजमान किया गया था जब ये चबूतरा बना के, और 90 क्विंटल की मूर्ति को यहाँ लाया गया। तो जब से ये मंदिर बना है, ये पुजारी जी बता रहे हैं कि पहले ही दिन से ये सेवा इन्हीं को सौंपी गई है और अब तक यही इनकी सेवा कर रहे हैं और यहाँ बहुत खुश हैं। बहुत खुश हो आप पुजारी जी? आप बहुत खुश हो यहाँ सेवा करके? बिल्कुल बेहद खुश हैं। जय श्री बालाजी। जो अभी हमने बड़ी मूर्ति देखी है हनुमान जी की 17 फिट की, उस मंदिर के मूर्ति के नीचे हमेशा बोलते हैं पानी रहता है। तो मैंने पूछा पंडित जी से जाने का रास्ता क्या है, तो साइड में से ये सीढ़ियाँ जा रही है और ये नीचे एक कुंड बना हुआ है, सरोवर बना हुआ है। देखिए यहाँ पानी है और आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि कितना पानी है। और इस पानी के ऊपर ये पिल्लर्स लगा के ये मंदिर बनाया गया, इन पिल्लरों के सहारे ये मंदिर टिका हुआ है पानी के नीचे। 17 फिट के हनुमान जी, 9 टन, 90 क्विंटल। बहुत ही जान के आश्चर्यचकित हुई मैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ी सी साफ़ सफाई और होने लग जाए तो मज़ा आ जाए। जय श्री बालाजी, जय श्री राम।